I'll just go with the screen. इस पे तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस था ना, ये नहीं, एनविंग डैन बॉय नहीं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दो। बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वाला मैं निकाल लूं। ये बंद कर दो ना, अच्छा ठीक है करो। मुझे लगता है ऊपर वाला होगा, ये वाला सब हाँ। बोल दो जाके आवाज ना करे और चक्कू से छीले, और हाथ से नहीं चक्कू से छीलो। ऐसा पांडे, हाथ से नहीं चक्कू से छीलो, बात बिल्कुल मत करो। तो नेवल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में मैं आपको हल के बारे में बताया था, और ये सारे स्टेम, स्टर्न, 4.5 लाइन, डेरिक, फ्री बोर्ड, ड्रॉट, बीम, ये सब बताया था। इसको डेफिनेटली मन लगा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि नेवल ओरिएंटेशन में ये टर्मिनोलॉजीज पर ही क्वेश्चन बनती हैं। ट्रू एंड फॉल्स बोलिए चाहे शॉर्ट आंसर्स बोलिए। पेपर का एक नमूना मैंने आपको दिखाया था आज, उस तरह का आप देखेंगे तो चकरा जाएंगे। डोंट टेक इट लाइटली, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैंने जो बताया वो बता दिया आपको। आज मैं स्टार्ट नहीं हुआ क्या? फिर से पूरा बोलना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट्स है नेवल टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली एक एक सेंटेंसेस हैं, और आजकल में संडे को ये पूरा ये वाला सेक्शन आपका रिवीजन होना जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये आप जान लीजिए। अब ये जान लीजिए कि आपके जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आपको मुझे बताना है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कस्टम है वो आपका है कलर्स। मैंने कलर्स में आपको कल बताया था, आज मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। कलर्स में आपको बताया गया था कि होइस्टिंग ऑफ नेवल एनसाइन एंड नेशनल फ्लैग, लिख लीजिए होस्टिंग ऑफ नेवल एनसाइन एंड नेशनल फ्लैग। At ensign staff and jack staff, at ensign staff and jack staff respectively at 0800 hours in harbour is called colors। जब हम national flag और naval ensign को jack staff और ensign staff में होइस्ट करते हैं यानी फहराते हैं सुबह के 8 बजे जब जहाज बंदरगाह में रहता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कलर्स। ये सेरेमनी होती है, आगे लिख लीजिए, इज नोन एज कलर्स। इतना तो आपने कर ही लिया था, आगे फिर लिखिए ड्यूरिंग दिस सेरेमनी the national anthem is played and alert oblique still is sounded on बोथस्वेन पाइप, यानी जब फहराया जाता है झंडा तो बोथस्वेन पाइप में एक अलर्ट की जाती है। आप सड़क में हैं, कहीं भी हैं, आप चलते चलते खड़े हो जाते हैं, जैसे राष्ट्रगान में हम लोग खड़े हो जाते हैं वैसे हम खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद उसको बोलते हैं स्टिल, स्टैंड स्टिल, और उसके बाद फिर से जब फहर जाता है झंडा उसके बाद ईजी बोला जाता है, फिर से बिगुल बजता है, बिगुल क्या बोथस्वेन पाइप में सीटी बजती है, और तब हम इजी होके हम अपना काम जो करते हैं वो करते हैं। दिस इज कलर्स। याद रखिएगा कलर्स में क्या होता है, हम नेशनल फ्लैग और नेवल एनसाइन जो है जैक स्टाफ और एनसाइन स्टाफ से हम चढ़ाते हैं, और चढ़ा के फिर उसके बाद हम चढ़ाते हैं सनराइज के टाइम में। हार्बर में ये कार्य होता है, और कितने बजे होता है, सुबह के 8 बजे होता है। ये इस सेरेमनी में नेशनल एंथम गाया जाता है, कभी कभी नेशनल एंथम नहीं गाया जाता है, तो आपका बोथस्वेन पाइप में स्टिल और अलर्ट की साउंड बोली जाती है, जिससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो है उसको हम बोलते हैं सनसेट। ये अचानक संख्या काफी कम हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, फिर से लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि मुझे बताएं कौन कौन अभी ज्वाइन नहीं किया है। जल्दी से बताइए। अगर इस तरह का रहेगा, कल प्रांजल आप आइए और वो बाकी फॉर्म भी जमा कर दीजिए कैंप के लिए, सब कैंप करेंगे। आप में से किसी उसको परितोष को फोन कर दीजिए, परितोष को फोन कर दीजिए। कलर्स होता है, कलर्स में क्या करते हैं, हम नेशनल फ्लैग और नेवल एनसाइन को सनसेट के टाइम में उतारते हैं। लिख लीजिए द सेरेमनी ऑफ हॉलिंग डाउन, द सेरेमनी ऑफ हॉलिंग डाउन द नेशनल फ्लैग, द सेरेमनी ऑफ हॉलिंग डाउन द नेशनल फ्लैग, द सेरेमनी ऑफ हॉलिंग डाउन द नेशनल फ्लैग एंड नेवल एनसाइन and naval ensign at the time of sunset is called sunset। इसमें भी वही सेंटेंस आपको लिखना है। सेकेंड Alert or still is sounded on pipe. Alert oblique still is sounded on pipe before lowering of flag, and carry on sounded on completion. ये लाइन दोनों में कॉमन होगा. Alert oblique still is sounded. Alert oblique still is sounded on the pipe before lowering of the flag, and carry on sounded on completion. And carry on sounded on completion. And carry on sounded on completion. Alert oblique still is sounded on pipe before lowering of flag, and carry on sounded on completion. And carry on sounded on completion. हो गया. हो गया तो बताइए, आगे मैं बढ़ूं. एक हिंट दे दीजिए. प्रांजल, जरा परितोष को फोन कर दीजिए आप. ऋतिक नहीं, ऋतिक है. ऋतिक, जरा परितोष को फोन करो. और आपके बैच का आज क्या हो गया? ज्योति कुशवाहा कहाँ है? ज्योति मिश्रा दिख रही है. ज्योति कुशवाहा कहाँ है? फिर ज्वाइन करके गायब हो गई. ऋतिक, आप अपने बैच को देख लीजिए जरा सा, मैं पढ़ा दूं तब तक. ड्रेसिंग शिप. अब मैं कल भी ड्रेसिंग शिप के बारे में बोला था कि ड्रेसिंग शिप, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन बनते हैं. ड्रेसिंग शिप, व्हाट इज ड्रेसिंग शिप. दूसरा क्वेश्चन बनता है ऑन विच डेज शिप्स आर ड्रेस्ड, और ऑन विच ओकेजन्स शिप्स आर ड्रेस्ड. Dressing ship. Ships are dressed all over on the days of national celebrations. Dressing ship का जवाब ये है. Ships are dressed overall on the days of national celebrations, such as Independence Day, Republic Day, Coast Guard Day, Navy Day, Vijay Diwas, विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरी. ये कल मैंने नहीं बोला था. विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरी, विजिट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड व्हेन द शिप इज ऑन फॉरेन विजिट, एंड व्हेन द शिप इज ऑन फॉरेन पोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, सिग्नल फ्लैग्स एंड पीनेंट्स. सिग्नल फ्लैग एंड पीनेंट्स, PENNANTS. सिग्नल फ्लैग्स एंड पीनेंट्स फ्रॉम जैक स्टाफ टू फोर मास्ट, फ्रॉम फोर मास्ट टू मेन मास्ट, एंड फ्रॉम मेन मास्ट टू एनसाइन मास्ट इज होस्टेड. Signaling flags and pennants. Signaling flags and pennants are hoisted from jack staff to foremast, comma, from foremast to mainmast, comma, and from mainmast to ensign staff. ये ड्रेसिंग शिप है. फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज द शिप ड्रेस्ड. लिख लीजिए, व्हेन इज द शिप ड्रेस्ड. अ शिप इज ड्रेस्ड ऑन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कोस्ट गार्ड डे, मैरिटाइम डे, विजय दिवस, कारगिल दिवस, गांधी जयंती, विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज, विजिट ऑफ प्रेसिडेंट. and when the ship is on foreign port, when the ship is on foreign port. ठीक है, ये क्लियर है। कल भी मैंने बताया था, पर आवाज के बफरिंग की वजह से हो सकता आप लोग को प्रॉब्लम हुई होगी। इज दैट क्लियर? जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करिए फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 101% आपको मिलेगा, बी में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा। बी में तो इस बार ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, 100 तो क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर लेंगे। पाइपिंग दी साइड मैंने आपको लिखा दी थी, स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, तो इसको मैंने कल बता दिया था। जिनको नहीं समझ में आया इसको कॉपी कर लीजिए, मैं वेरी क्लियरली इसको मतलब स्क्रीन में इसलिए मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ। OOG, अब नेक्स्ट आता है OOG। OOG का फुल फॉर्म भी आता है, OOG का इसमें भी दिखा हुआ है, ऑफिसर ऑफ द गार्ड। When a ship visits a foreign port, an officer of executive branch is detailed as officer of the guard. इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखिए, इसमें बड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। जब जहाज फर्स्ट टाइम बंदरगाह में जाती है तो बंदरगाह के एग्जीक्यूटिव रैंक के ऑफिसर जो हैं, ऑफिसर ऑफ द गार्ड उसे बोला जाता है, वो आप उस जहाज के कैप्टन के पास जाता है और अपनी सपोर्ट और सेवा देने के लिए वेलकम करता है। इसको बोलते हैं ऑफिसर ऑफ द गार्ड, OOG। OOG का फुल फॉर्म लिख लीजिए। दूसरा OOD, ऑफिसर ऑफ द डे। OOD, OOG और OOD, इसको याद रखिएगा। अब ऑफिसर ऑफ द गार्ड आप लिख लीजिए। ऑन शिप्स फर्स्ट अराइवल इन हार्बर, ऑन शिप्स फर्स्ट अराइवल इन हार्बर और ऑन इट्स रिटर्न, और ऑन इट्स रिटर्न, और ऑन इट्स रिटर्न आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड, आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड, it is customary for the senior officer, it is customary for the senior officer of executive branch, it is customary for the senior officer of the executive branch to send an officer of the guard, to send an officer of the guard to visit the ship and to extend the use of naval facilities in the port, and to extend the use of naval facilities in the port. On the ship's first arrival in harbour or on its return after an extended period, it is customary for the senior officer ashore to send an officer. It is customary, CUSTOMARY, सारे हिंदी इंग्लिश वाले इसको लिख लीजिए। It is customary for the senior officer ashore to send an officer of the guard to visit the ship and extend the use of naval facilities, and extend the use of naval facilities in the port. Extend the use of naval facilities in the port. तो ऑफिसर ऑफ द गार्ड आपको मैंने बता दिया, पांडे जी को मना कर देना। फिर नेक्स्ट आप ऑर्डर दीजिए, नेक्स्ट है आपका मैन एंड चीयरशिप। नेक्स्ट आपका आता है मैन एंड चीयरशिप। दिस इज द कलेक्टिव मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, कलेक्टिव मार्क ऑफ रेस्पेक्ट गिवन टू ऑनर अ पर्सन और अ शिप। एक ऑनर किया जाता है और इस ऑनर को एक सब लोग सामूहिक रूप से करते हैं। मैन एंड चीयरशिप क्या है? दिस इज अ कलेक्टिव मार्क ऑफ रेस्पेक्ट गिवन टू ऑनर अ पर्सन और अ शिप। For this ceremony, the ship's company lines up along the guard rail. जहाज के जो किनारे किनारे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम गार्ड रेल। सब खड़े हो जाते हैं अपर डेक में, जो मैं कल आपको बता रहा था और बफरिंग की वजह से आप ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। अपर डेक में खड़े होते और 3 बार जय 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 करके बोलते हैं, जो डिग्नेटरी पास ऑफ करता है बगल से। यू समझ लीजिए, पहले लिखना बंद करके पहले समझ लीजिए। पहला क्या है कि मैन एंड चेयरशिप के खुशी से, मान लीजिए किसी में आप किसी समय नेट में डाल के देखिएगा, हमारे पुराने प्रेसिडेंट साहिबा प्रतिभा सिंह पाटिल वो शिप की विजिट करी थी। तो उस शिप के विजिट में क्या हुआ था, वो शिप में जा रही थी, एक उनका प्रेसिडेंट वाला शिप सेल कर रहा था। तो प्रेसिडेंट वाले शिप जो सेल कर रहा था, बगल में जो और वगैरह जो शिप्स थी, वो शिप्स कंपनी जो है वो बाहर खड़े हो गए गार्ड रेल में और ऑनर में उन्होंने 3 बार जय जय किया। उसमें प्रेसिडेंट है, चलिए ठीक है। जब सेल करते हैं, 2 शिप्स आपस में क्रॉस करते हैं तब भी किया जाता, जो सीनियर शिप है और जो जूनियर शिप है। एक मार्क ऑफ जेस्चर, जैसे हम लोग एक दूसरे को जय हिंद अगर नहीं बोलते हैं तो लोगों का मुंह फूल जाता है, उसी तरीके से अगर 2 जहाज में सीनियर जहाज यानी सीनियर कमीशन्ड जहाज को जूनियर कमीशन्ड जहाज ने ग्रीटिंग्स नहीं की तो ये हमारे तौर तरीके तहजीब नहीं है। तो ऐसे केस में सीनियर कमीशन्ड जहाज में ऑब्वियसली सीनियर रैंक का आदमी कैप्टन होता है, जूनियर कमीशन्ड शिप में जूनियर रैंक का आदमी कैप्टन होता है। कैप्टन दोनों होते हैं, पर सर्विस का और सीनियोरिटी का मायने शिप के सीनियोरिटी के साथ रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैन एंड चीयरशिप जो है ये कलेक्टिव मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है, टू गिव ऑनर टू पर्सन और अ शिप। कलेक्टिव मार्क ऑफ रेस्पेक्ट अंडरलाइन करके रखिएगा, मैन एंड चीयरशिप के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, बी वाले होशियार हो जाइएगा। दिस इज अ कलेक्टिव मार्क ऑफ रेस्पेक्ट गिवन टू ऑनर अ शिप और अ पर्सन। फॉर दिस सेरेमनी द शिप्स कंपनी लाइन्स अप along the guard rail. For this ceremony the ship's company lines up along the guard rails on the upper deck. Guard rails on the upper deck and gives 3 jai to the dignitary by taking off and waving their cap. By taking off, O-F-F लिखिएगा, by taking off and waving their caps in authorized drill. हर चीज का ड्रिल है, जिसका मन चाहे हाथ पहले उठा दे ऐसा नहीं है, in authorized drill. तो मैन एंड चीयरशिप मैंने आपको बता दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेरेमनी है जिसको हम बोलते हैं रिंगिंग इन द न्यू ईयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रिंगिंग इन द न्यू ईयर में क्या होता है कि रिंगिंग ऑफ द न्यू ईयर में जो है, ऑन दिस ओकेजन इंस्टेड ऑफ कस्टमरी 8 bells एट मिडनाइट, रात को 8 घंटियां बजती हैं और जहाज का जो सबसे कम उम्र का बंदा होता है, यंगेस्ट मेंबर, वो जो है 8 बेल के जगह 16 बेल बजाता है। 8 बेल पुराने ईयर का और 8 बेल नए ईयर के आगमन का बजाता है। इसको बोलते हैं रिंगिंग इन द न्यू ईयर। हमारे कॉलेज में भी एक बार हुआ था, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर चंद के ज़माने में मैं नई नौकरी में आया। जो करना करो, जो तुमने ठान लिया तो ठान लिया। तो मैं मैन एंड चेयरशिप में मैं ये रिंगिंग इन द न्यू ईयर में बताना चाह रहा हूँ कि कॉलेज में तब उनका वो था, फेयरवेल था डॉक्टर चंद का, और मैं ही अकेले उस साल ज्वाइन किया था कॉलेज में, और आई वाज द यंगेस्ट मेंबर। तो सीनियर टीचर्स ने यंगेस्ट मेंबर और सीनियर मेंबर से गुलदस्ता दिलवाया था। तो ये एक वाकया मुझे याद है, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा। तो जहाज में जो है रिंगिंग इन द न्यू ईयर, इसमें क्या होता है रिंगिंग इन द न्यू ईयर में कि ऑन द ओकेजन इंस्टेड ऑफ कस्टमरी 8 bells एट मिडनाइट, ऑन दिस ओकेजन इंस्टेड ऑफ कस्टमरी 8 bells एट मिडनाइट द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द शिप्स कंपनी strikes 16 bells at midnight, 8 bells for the old year and 8 bells for the new year। और कितने बजे बजता है? ड्यूरिंग द मिड नाइट एट 0001 hours, एट 0001 hours। इसको अंडरलाइन करके रख दीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये घंटी कहाँ बजती है? गैंगवे में बजती है। घंटी कहाँ बजती है? गैंगवे में। हिंदी में ही हो, आप लिख के रख लीजिए समझने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट और आता है लॉन्चिंग सेरेमनी। जब जहाज का हल बन जाता है, बंद हो गया, थैंक यू आ गया था। चल This ceremony is conducted whenever the keel of the ship is launched for the construction at shipyards. Launching ceremony, जब जहाज का हल बन जाता है और जहाज को सबसे पहले पानी में उतारा जाता है। यहाँ वाला जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो थोड़ा टिपिकल है, उसको मत करिए, मैं अपने भाषा में आपको बता रहा हूँ, उसको आप अभी मैं लिखा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। After the construction of the hull, when the ship is launched for the first time into the sea, it is customary to break a coconut. It is customary to break a coconut. It is customary to break a coconut on the bow of the ship. This is known as launching ceremony. After the construction of the hull, after the construction of the hull, when a ship is launched for the first time, when the ship is launched for the first time into the sea, It is customary to break a coconut. It is customary to break a coconut on the bow of the ship. It is customary to break a coconut on the bow of the ship, and ship's nameplate is formally unveiled. And ship's nameplate is formally unveiled. UNVEILED. लॉन्चिंग सेरेमनी के बारे में आप समझ गए, आपने लिख लिया. अगर नहीं लिखा तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं. आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हल, व्हेन अ शिप इज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन अ शिप इज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू द सी, it is customary to break a coconut on the bow of the ship, and ship's nameplate is formally unveiled. इसको हम बोलते हैं launching ceremony. दो शॉर्ट फॉर्म्स नोट कर लीजिए, जैसे OOG आपने किया था, मैंने एक बताया था ऑफिसर ऑफ द गार्ड, OOD और OOW ऑफिसर ऑफ द वॉच. रिसेप्शन ऑफ ऑफिसर्स एक सेरेमनी है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्शन ऑफ ऑफिसर्स. रिसेप्शन ऑफ ऑफिसर्स, रिसेप्शन में जब मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऑफिसर्स जब गैंगवे से जाते हैं जहाज के भीतर, हम गैंगवे से जाते हैं, जब जाते हैं ऑन अराइवल एंड डिपार्चर, तो गैंगवे के वहाँ क्वार्टर मास्टर में एक बंदा होता है. तो क्वार्टर मास्टर में जो ऑफिसर रैंक का भी बंदा हो सकता है और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं. तो जिस रैंक का है, मान लीजिए जो गैंगवे में खड़ा है वो सीनियर ऑफिसर है और जो बंदा आ रहा है वो जूनियर है, तो जो आ रहा है वो सीनियर बंदे को सैल्यूट करके तब जाता है. तो दिस इज नोन एज रिसेप्शन ऑफ ऑफिसर्स. इसको लिख लीजिए. ऑन अ शिप ऑल ऑफिसर्स आर सैल्यूटेड. On a ship, all officers are saluted by the gangway staff on arrival and departure. On a ship, all officers are saluted by the gangway staff on arrival and departure. एक और सेरेमनी है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग द लाइन. क्रॉसिंग द लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग सेरेमनी है. क्रॉसिंग द लाइन में क्या होता है कि ये अनऑफिशियल सेरेमनी होती है. इसको नोट करके रख लीजिए, अनऑफिशियल सेरेमनी कौन सी है? क्रॉसिंग द लाइन. बाकी कोई भी सेरेमनी अनऑफिशियल नहीं है. बी वाले होशियार हो जाइए. क्रॉसिंग द लाइन ही एक ऐसी सेरेमनी है जो अनऑफिशियल है. ऑफिसर्स बोलिए, कैप्टन बोलिए, एक कर्मचारी बोलिए, सब इक्वल होके उस दिन एंजॉय करते हैं. इसके पीछे कहानी पहले आप समझ लीजिए. पहले के दिन में क्या होता था, जहाज जो है पाल से चलती थी और बहुत दूर दूर की यात्राएं करती थी. तो इक्वेटर से पहले, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब हम पछुआ हवा से पार करके इक्वेटर में आते हैं, जिसको बोला जाता है बेल्ट ऑफ काम. अगर थोड़ा भी आपको ज्योग्राफी याद है क्लास 8 की, क्लास 10 की, तो प्रेशर बेल्ट्स आपने पढ़ा होगा और विंड सिस्टम आपने पढ़ा होगा. एक ग्लोब में हवाएं एरो लगा लगा के दिखाया जाता है. तो जब जहाज पछुआ हवाओं से जाती है तो पछुआ हवाओं में बहुत दिक्कत होती है, आंधी तूफान इत्यादि इत्यादि. अब पाल से चलने वाले उस समय के जो जहाज थे, कोई गारंटी नहीं था कि वो जीवित वापस आएंगे. तो ऐसे केस में क्या होता था कि जब वो जहाज पछुआ हवा से पार करके एक शांत वातावरण में जब घुस जाते थे उसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ काम। बेल्ट ऑफ काम में जब ये पहुंच जाते हैं तब उनको राहत मिलती है, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, वरुण देवता को धन्यवाद दिया जाता है और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसमें कोई भी ये नहीं देखता है कि वो हाई रैंक का ऑफिसर है, हम लोअर रैंक के हैं, हम पीआई स्टाफ हैं, हम ऑर्डिनरी सेलर हैं, कुछ नहीं। तो इस सेरेमनी में एंजॉयमेंट होता है, ये खुशी का माहौल होता है कि भगवान ने या वरुण देवता ने हम लोगों को बचा लिया। तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग द लाइन। आज के दिन में इस सेरेमनी का कोई महत्व नहीं है, पर सेरेमनियाँ अनुष्ठानें चली आ रही हैं, चलती आ रही हैं, इसलिए हो रही हैं। जैसे हम लोग के भी तीज त्यौहार में बहुत सारे होते हैं। आज के दिन में ये जन्माष्टमी के पीरियड में कलमी साग खाना चाहिए, फलाना खाना चाहिए, ये धनिया की पंजीरी बननी चाहिए जन्माष्टमी में, सो एंड वॉट, पर वो बातें अब नहीं रही। अब बस एक शगुन के तौर पे होता। तो सेम केस आज के दिन में भी है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये भी वन ऑफ द नेवल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में फॉलो किया जाता है। अब आप लिख लीजिए, इट इज एन अनऑफिशियल सेरेमनी। इट इज एन अनऑफिशियल सेरेमनी। Initiated. It is an unofficial ceremony of initiating new recruits, recruits, initiating new recruits into Brotherhood of Seas, and as subjects of Lord Varuna, फिर से लिखिए, this is an official ceremony, this is an unofficial ceremony of initiating new recruits into Brotherhood of Seas and as subjects of Lord Varuna's oceanic majesty, and as subject of Lord Varuna's oceanic majesty. This ceremony is conducted when crossing the equator, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। This ceremony is conducted when crossing the equator. ऐसे देख लीजिए, दिस इज एन अनऑफिशियल सेरेमनी ऑफ इनिशिएटिंग न्यू रिक्रूट्स इनटू ब्रदरहुड ऑफ सी एंड ए सब्जेक्ट ऑफ लॉर्ड वरुणास ओशनिक मैजेस्टी। दिस सेरेमनी इज कंडक्टेड व्हेन क्रॉसिंग द इक्वेटर। द शिप इज स्टॉप्ड एट द इक्वेटर. The ship is stopped at the equator and personnel from the ship acts as king, holds darbar and punishes. The ship is stopped at the equator and personnel from the ship act as king, holds darbar and punishment is also given. तो ये आपका क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका हर बार आता है, कलर्स आता है, सनसेट आता है, ड्रेसिंग शिप भी आता है अलग तरीके से। पाइपिंग द साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाइपिंग द साइड में नोट कर लीजिए कितने मिनट का पाइप बजता है, 12 सेकेंड का। नोट कर लीजिए, हर वक्त नहीं याद रहता है, अचानक मुझे याद आया है। पाइपिंग डिसाइड कितने मिनट का होता है, 12 सेकेंड का होता है, 12 सेकेंड। पाइपिंग की साइड जो बजाई जाती है वो 12 सेकंड की। फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स के लिए अलर्ट हो जाइए। ये आपको पीआई स्टाफ नहीं बताएगी, कोई नहीं बताएगा, पूछ जरूर लेंगे क्योंकि उनका दिमाग नहीं है, वो बस पन्ने पलट पलट के क्वेश्चन बनाना आता है उनको। ऑफिसर ऑफ द गार्ड मैंने बता दिया आपको, मैन एंड चीयरशिप आपको बता दिया कि जब एक जहाज दूसरे जहाज के आसपास निकलती है तो एक खुशी के उसमें शिप्स कंपनी बाहर निकल के गार्ड रेल में खड़े होके अपर डेक में खड़े होके जय बोलती है, और ये जय जो है अपनी टोपी उतार के 3 बार जय बोलती है विथ अकॉर्डिंग टू ड्रिल। रिंगिंग इन द न्यू ईयर बता दिया, क्रॉसिंग द लाइन मैंने बता दिया, लॉन्चिंग सेरेमनी बता दिया, और बाकी के चीजें आपको नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये गन सैल्यूट्स जरा नोट कर लीजिए, चटपट पता होते हुए भी नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट को 21 गन सैल्यूट होता है, एडमिरल को 17, वाइस एडमिरल को 15, रियर एडमिरल को 13, कमांडर को 11 और कैप्टन को 7। इसको आप नोट करिए जल्दी से। 2 तरह के सैल्यूट होते हैं, एक गार्ड होता है परेड में गार्ड, तो गार्ड वाला आपके बगल में देखेंगे प्रेसिडेंट या गवर्नर को कितने लोग गार्ड ऑफ ऑनर करते हैं, 150। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को 100, गवर्नर्स, डिफेंस मिनिस्टर, CNS, यहाँ CNS का फुल फॉर्म लिख लीजिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। पहले गन सैल्यूट लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, कुछ जल्दी बताने लगे आपको। आप पहले गन सैल्यूट्स लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। और फिर से बफरिंग का प्रॉब्लम है। कल ऐसा करो, कल तुरंत वो कर लो, एक्स्ट्रा डाल के ले लो, फिर बरसात का प्रॉब्लम है तो होगा। हाँ तो ये गन सैल्यूट्स आपका आपने लिखा। अब गार्ड जो है गार्ड वाला बगल में, उसको नोट करिए, प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट्स को 150, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को 100, गवर्नर, डिफेंस मिनिस्टर, और जो शॉर्ट CNS है, CNS का फुल फॉर्म लिखिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ CNS। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। फिर उसके बाद VCNS, VCNS का फुल फॉर्म है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। हो गया तो CNS आपको बता दिया, VCNS आपको बता दिया, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन लोगों को, और FOCINCS ये 100% आपको फुल फॉर्म मिलेगा इम्तिहान में। FOC का है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कमांडर इन चीफ। इसका है 50 यानी गवर्नर, डिफेंस मिनिस्टर, सीएनएस यानी आपको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, इनको 50 आदमियों का गार्ड ऑफ ऑनर होता है। रियर एडमिरल और कमांडोर के लिए है 19, कैप्टन्स के लिए है 12। ये जैसे बगल में कंसल्यूट है उसी तरह से टेबल बना के रटना है आपको। फिर से देख लीजिए, प्रेसिडेंट को है 150, वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को 100, गवर्नर्स, डिफेंस मिनिस्टर, सीएनएस, बीसीएनएस, फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ 50, रियर एडमिरल एंड कमोडोर 19। शुरू से तो याद हो जाएगा, यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। रियर एडमिरल और कमोडोर 19 और कैप्टन आपका 12। बाद आता है देखिए राइफल सल्यूट। राइफल सल्यूट दो तरह के होते हैं, बट सल्यूट और सलामी शस्त्र। बट सल्यूट जो होता है वो ऑफिसर्स अप टू रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट तक के रैंक के ऑफिसर्स को बट सल्यूट मिलती है। सलामी शस्त्र किसको मिलता है? लेफ्टिनेंट कमांडर एंड अबव के रैंक को आपको मिलता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। आपको राइफल बट सल्यूट और सलामी शस्त्र। राइफल सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? लिख लीजिए, 2 प्रकार के होते हैं राइफल सल्यूट। ऐसा है आपका, पहला है बट सल्यूट और दूसरा है सलामी शस्त्र। सलामी शस्त्र लेफ्टिनेंट कमांडर एंड अबव, और बट सल्यूट अप टू लेफ्टिनेंट। सल्यूटिंग के जो फैक्टर्स हैं उसको नोट कर लीजिए। हमेशा सल्यूट राइट हैंड से किया जाता है, नोट कर लीजिए। हमेशा सल्यूट राइट हैंड से किया जाता है। सल्यूट करते हुए आपको गुड मॉर्निंग या जय हिंद सर बोलना आवश्यक है। सल्यूट न करने के लिए आप घूम जाए, मुंह घुमा लें, ये गलत है। अगर आप बैठे हैं तो उठकर सल्यूट करें। मुंह में सिगरेट रख के आप सल्यूट नहीं कर सकते। ये बेसिक चीजें हैं जो सल्यूट में आपको फॉलो करना है। बंद हो गया, इसको 2 मिनट चेंज करें। तो आपको ये सैल्यूट्स के बारे में मैंने बोला, और अलग से जरा सा लिख लीजिए। आवाज आ रही होगी। हाँ, नेवल डॉकयार्ड्स लिख लीजिए। और आपको रैंक मैंने पहले बताया था, रैंक आपको बताया था। रैंक्स आप कायदे से कर लीजिए। रैंक्स आपको बताया था, रैंक्स मैं कल आपको फिस में दिखा दूंगा, पर रैंक्स याद कर लीजिएगा। अभी आप जब जाएंगे कैंप में ये सब पूछा जाएगा, कैंप में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेवल डॉकयार्ड्स आपके कहाँ कहाँ पे है? 4 नेवल डॉकयार्ड्स हैं। नेवल डॉकयार्ड कहाँ पे है? मुंबई। और दूसरा नेवल डॉकयार्ड कहाँ पे है? विशाखापट्टनम। नोट कर लीजिए, नेवल डॉकयार्ड कहाँ पे है? मुंबई और विशाखापट्टनम। अभी भी नहीं चल रहा? अच्छा चलो, फिर वेट कर रहे हम। तुम्हें आज ही बोले थे ना, इसको अपलिफ्ट कर दो, अपग्रेड कर दो। बंद कर दें। लॉन्ग मेरे को दो ना वो फॉर्म ओपन कर दो। और क्या करें, फॉर्म ओपन कर दो। हमको पटक दिया ऐसे करके कैसे होगा, मैसेज कैसे करें, मैसेज खोलो। बंद कर दें। आवाज आ रही है भी है? हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ऐसा है फिर गूगल फॉर्म मैंने दिया है, उसको आप लोग फिल कर लीजिए। यस सर कोमल, आप लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर लीजिए। फिलअप करते हुए जो मैं लास्ट बता रहा था, नेवल डॉकयार्ड मुंबई और विशाखापट्टनम में है, और नेवल शिप रिपेयर यार्ड जो है वो कोची में है। नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची में है और एक शिप रिपेयर यार्ड जो है पोर्ट ब्लेयर में है। तो लिख लीजिए नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची और नेवल शिप रिपेयर यार्ड पोर्ट ब्लेयर। तो इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं। जस्ट फिल अप द फॉर्म और कल फिर 8 बजे मिलेंगे। फॉर्म भर रहे हैं ना, फॉर्म भर लेने दो।